को नमस्कार। आप सभी का धन्यवाद। आप इस लड़ाई में ये जो हमारे देशवासी सभी रोज हमारी जो ताजा दबट दी जा रही है इस लड़ाई में पूरे देश से हमें समर्थन मिल रहा है कि हमारी बेटियों को बहनों को न्याय मिले। और ये लड़ाई हम पहले भी बोल चुके हैं कुश्ती की लड़ाई नहीं, ये हमारे इज्जत और मान सम्मान की पूरे देश की बेटियों की लड़ाई है। और आज हम कैंडल मार्च कर रहे हैं 5 बजे इंडिया गेट पे। तो मैं आपसे भी और जितने भी हमारे समर्थन में जो लोग आए उनसे सबसे अपील करूंगा कि शांति पूर्वक करना। हमें जैसे मंदीप भाई ने बताया कि भाई कई बार इसको दूसरा रूप देने की कोशिश कर ली, जितना हम शांति प्रिय चलते रहेंगे उतना हम जीत की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमें शांति से करना। और मैं आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन को भी यही बोलूंगा कि हमारे किसी भी समर्थक को रोका ना जाए, अगर रोकने की कोशिश की जाएगी तो ही ये चीजें होती है। तो मैं पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि भाई आप हमारे समर्थन में जो आ रहे हैं उनसे रोकने की कोशिश ना करें। अगर पुलिस प्रशासन रोकता है तो आप उधर ही बैठ जाइए। शांति प्रिय हमें जब भी कोई हुड़दंगबाजी नहीं करनी है। तो जितने भी आप समर्थन में आए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और ये लड़ाई आप जरूर जीतेंगे आप सबके सहयोग से सबके साथ से। धन्यवाद जी। और भाई देखो मेन बात ये है हमने धक्का मुक्की नहीं करनी है। आज भी सड़क पर बैठे हैं, 1 महीने से सड़क पर बैठे हैं। हम न रोक पाए कहाँ पाओगे? पुलिस प्रशासन यदि रोकेगा तो कहाँ पर रोक सके है? सड़क पे तो रोकेगा। आज भी सड़क पर वहां भी सड़क पर होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है ना हमारे लिए, बड़ी बात तो नहीं है। जहाँ रोका वही बैठ जियो और बड़ा शांति प्रिय। हमने राज ने देश का मान सम्मान बढ़ाया है, घटाया को जवान की बात हो चाहे खिलाड़ी की बात हो, किसान जवान खिलाड़ी हमेशा देश का मान सम्मान बढ़ा हुआ है ना कि घटाता। मुझे बालक है आपको है हमारे साथ हो तो हमें शांति प्रिय ही करना सब कुछ। और बहुत सारी उम्मीदें हैं कि आज का जैसे हमारा आंदोलन सफल होगा तो जो हमने पंचायत रखी है उसको भी हम सफल बना रहे। कल हमारे से एक साथी पत्रकार साथी पूछ रहा था कि भाई साहब आप वहां पर पंचायत रखी है, मामा मैंने कहना ना तो रखी नहीं। हमारे जितने भी खाते हैं किसान संगठन सब ने एक वहां से ऐलान करा कि भाई 28 को पंचायत है। बोले वहां को तो आपने पहुंचने नहीं देंगे। वहां भाई क्यों? बोले एक प्रोटोकॉल होता है। माँ भाई बताओ तो यही है कि देश की बड़ी पंचायत घर वही है, हम भी चले जाओगे तो क्या बात है? अपना बताते हैं ना टीवी में देश की सबसे बड़ी पंचायत घर वही तो है, हम भी आदमी है हम भी पंचायत करने जा रहे हैं। बोला नहीं उस दिन का प्रोग्राम है। मैं बढ़िया भाई देश का खुद ही तो बोले देखे देश का चौकीदार, मैं देश का चौकीदार सेवक रिबन काट रहा है देश की जनता वहां जाकर क्या पंचायत करिए, इसमें कौन सी लड़ाई की बात है? यही तो बात थी। और शांति प्रिय हमने अपना परिचय देना है क्योंकि उससे पहले हम कनॉट प्लेस में भी गए, उसके बाद में हनुमान मंदिर गए, उसके बाद में गुरुद्वारा में गए, बड़ा शांति प्रिय गए हैं। और आप सबसे यही उम्मीद होगी कि अच्छे तरीके से चले। और जितना भी आप इस 45 डिग्री का टेम्परेचर में बैठ करके साथ दे रहे हैं यही हमारी पहलवानों की एक अपनी तरफ से डिमांड भी और उम्मीद भी है कि हम उस पर खड़े उतरे। अभी 2 शब्द हमारी भारत की पहली ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक जी से भी चाहूंगा कि आप भी आए और अपने 2 शब्द आप भी कहें। सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा कि बजरंग ने बताया सारी बात रखी थी आपके आगे कि शांतिपूर्वक करना चाहते हैं और अभी तक 31 दिन हो गए शांतिपूर्वक ही हमने अपना धरना चलाया है। बस यही है हम शांतिपूर्वक चलेंगे। अगर पुलिस कुछ भी करती है तो हम वहीं रुक जाएंगे, कोई भी किसी तरीके की हम लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आंदोलन जो है हमें लंबा चलाना है और जीतना है। आप सब लोग ऐसे ही सहयोग बनाए रखो, हमारा समर्थन बनाए रखो और ये भारत की बेटियों की लड़ाई है और इसको हमें जरूर जीतना है। एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद।